अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपकी खिदमत में देगी चिकन, जो हम शादियों पर खाते हैं, यानी कि शादियों वाला देगी चिकन की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। मगर उससे पहले आपने क्या करना है, हमेशा की तरह मेरी वीडियोज को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरी वीडियोज को सबसे पहले देख सकें। तो चलिए देखते हैं इनको बनाने के लिए हमें कौन से इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर होंगे। सबसे पहले आप मैं आपको बता दूं कि हमने इस तरह से जो चिकन लेग पीसेस ले लिए हैं और इनको हमने ये कट्स लगा लिया, आप किसी भी तरह इसको कट लगा सकते हैं। हमने दही ली है एक प्याली, मोटी पिसी हुई जिसको हम दादड़ी सुर्ख मिर्च कहते हैं वो हमने आधा चम्मच लिया है, दो चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया, जीरा एक चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, सुर्ख मिर्च पाउडर एक चम्मच, नमक आधा चम्मच, आपने अपने जायके के हिसाब से लेना है, चाट मसाला एक चम्मच, आप किसी भी अच्छी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, काली मिर्च पाउडर आधा चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट एक खाने का चम्मच, लीमू का रस एक या दो जरूरत के मुताबिक हम देखेंगे। साथ में हमने थोड़ा सा जर्दा रंग लिया है, एक चुटकी हमने जर्दा रंग लिया था जिसको थोड़े से पानी में हमने मिक्स कर लिया। इसके बाद हमने एक या दो हरी मिर्चों का जो है वो पेस्ट लेना है, आप इसको अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो चलिए अब इनको मिक्स करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, खुले मुंह वाला बर्तन ले लेना है जैसा कि मैंने ले लिया स्क्रीन पर, और उसमें अपने चिकन पीसेस जो हैं वो सेट कर लेने हैं। अब हम इसमें जो मसाले हैं वो पहले मैं सारे ड्राई मसाले इसमें ऐड करूंगी, सुर्ख मिर्च पाउडर, चाट मसाला, गरम मसाला, हल्दी, अदरक लहसुन का पेस्ट, सुर्ख मिर्च मोटी कुटी हुई, काली मिर्च पाउडर, पीसा हुआ सूखा धनिया, जीरा साबुत, हरी मिर्च की पेस्ट, नमक, एक नींबू का हमने रस इस्तेमाल करना है, आप इसको दो भी ले सकते हैं, ये आपके अपने टेस्ट पर डिपेंड करता है, मैं इसको आपको डायरेक्ट ही करके दूँ। थोड़े से हमारे नींबू का साइज बड़ा है लेकिन ये बहुत अच्छा इसको स्क्वीज करेगा। जर्दा रंग हम इसमें शामिल करेंगे। अब हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब आखिर में हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये दही डाल लेंगे। अब हम इन सारों को अच्छे से दोबारा से मिक्स कर लेते हैं मसाले को। जितने कट्स हैं उसमें आपने अच्छे तरह इसके लगानी है, क्योंकि जितना अच्छा मसाला इसके अंदर जाएगा उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। ये देखें व्यूअर्स, हमने इसको अच्छे से मैरिनेट कर लिया है। हम इसको 6 घंटे के लिए छोड़ दूंगी, जब तक ये अच्छे से मसाला इसमें जो है वो मिक्स हो जाएगा, फिर हम 6 घंटे बाद इसको पकाएंगे। ये देखें व्यूअर्स, अब 8 घंटे हो चुके हैं हमें मैरिनेट करते हुए, अब मैं इसको कढ़ाई में रखकर पकाऊंगी। ये देखें व्यूअर्स, हमने इस तरह एक खुले मुंह वाला पैन ले लिया और इसका जो नीचे वाला हिस्सा वो थोड़ा सा बसनी है, मोटा है, इसलिए मैंने ये वाला पैन लिया। आपके पास नॉनस्टिक हो तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह से जो है आपने पीस को सेट कर लेना है। अब जो बाकी मैरिनेशन से बचा हुआ है, ये देखें व्यूअर्स, अब हमने चिकन सेट कर लिया था और बाकी जो मैरिनेट से बचा हुआ मसाला था वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा एक जो है वो टेबलस्पून में ऑयल का ऐड करूंगी, बस हमें हल्का सा इसके अंदर ऑयल ऐड करना है। और अब मैं इसको ढाम कर रख दूंगी धीमी आंच पर, बिल्कुल मैंने दम वाली आग लगाई है। 5 से 7 मिनट मैं ईच साइड इसको पकाऊंगी 15 मिनट के लिए। अब 7 मिनट हो चुके हैं एक साइड को पकते हुए, अब हम चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें व्यूअर्स, इसने अपना पानी छोड़ दिया है अच्छे से। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे, तो साइड चेंज करते हुए आपने थोड़ी सी एहतियात बरतनी है कि ये टूटे ना, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट और हो चुका है मैरिनेशन के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम इसको दोबारा कवर करके छोड़ देंगे मजीद 7 से 8 मिनट पकने के लिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, माशाल्लाह आप देख सकते हैं व्यूअर्स कि ये बिल्कुल पककर तैयार हो चुके हैं, मसाला भी अंदर से खुश्क हो गया। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, हमारा जो देगी चिकन था वो पककर बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको मैंने डिश आउट कर लिया है और प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और लेमन के साथ हमने इसको सर्व किया है। इसके साथ ही आज की हमारी ये रेसिपी कंप्लीट होती है। कल इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन जाने से पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। इसको घर पे ट्राई करना और हमें कमेंट्स में जरूर बताना है कि आपको ये डिश कैसी लगी। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।